हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई आजकल यार स्कैम जो है ना अलग अलग तरह के होने लग गए हैं। और भाई स्कैमों से बचाने का काम मेरा है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि भाई इतने सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं मुझे लोग कि भाई ये आईफोन जो है 1200 रुपए में कोई दे रहा है, किसी टेलीग्राम पे कोई कुछ बेच रहा है। तो आज तुम्हारा भाई सारा सच का सच सामने देगा, क्योंकि भाई देखो पैसा हर एक बंदा बहुत मेहनत से कमाता है, तो भाई उसको सोच समझ के यूज करना और ऐसे इधर उधर मत वेस्ट करना, ठीक है। और एक और स्कैम जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है भाई, वो है टेलीग्राम वाला, और वो भी हमारे नाम से, हमारे चैनल के नीचे कमेंट्स में। तो अगर भाई देखो, अगर आपको टेलीग्राम से कोई भी मैम बन के मैसेज करता हूं ना, मतलब मेरे को पोर्ट्रे कर रहा है कि मैं हूं वो, बट ऐसा कोई नहीं है भाई, मैं टेलीग्राम पे बिल्कुल नहीं हूं। तो अगर आपको कोई ऐसे कमेंट में रिप्लाई करता हूं, तो कमेंट मत सोचना, देखना पढ़ना, उसको बोलो बस। क्या बोला तूने? समझ गए। तो ये तो एक पहला स्कैम हो गया जो कि आजकल बहुत ज्यादा उभर कर आ रहा है। अब यहाँ पे सेकंड स्कैम आता है भाई, वो ये है कि आईफोन आप लोगों को 1200-1300 रुपए मिल जाता है, या फिर जो यूएस वाले आईफोन्स हैं वो इंस्टाग्राम पे पेजेस बना रखे हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना रखे हैं, और आपको लिंक्स आ रहे हैं कि इतने में मिल जाता है। लाइक अगर मान लो आईफोन 13 है, लोग 20,000-30,000 में मिल रहे हैं। एंड पर्सनल स्पीकिंग भाई, मेरे साथ मेरे एक दोस्त का, आपको याद होगा सिद्धांत भाई के साथ भी ऐसा एक सीन हुआ था सेम, एंड लिटरली भाई उनके बहुत ही ज्यादा तगड़े वाले पैसे फंस गए थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई भी बंदा अगर आपको ऐसे बोल रहा है कि आईफोन 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, कोई भी आईफोन हो गया, कि आपको बहुत ही कम रेट में दे रहा है, मतलब 5,000-10,000-20,000, जबकि उसकी एक्चुअल रेट अराउंड 1,00,000 रुपए, तो भाई ध्यान रखना, मत लेना, 1 रुपया भी ट्रांसफर कभी मत करना। मैं भी भाई भुगत भोगी हूं, मेरे साथ भी पिछले साल हुआ था अगर आपको याद होगा। बड़ा रोना आता है भाई, क्या करें। लेकिन देखो स्कैमर का काम है आपसे पैसे लेना, और वो लेते सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वे में, मतलब आपसे वो बात करेंगे, आपको बोलेंगे भाई QR है इस पे, आप 2,000 की वो कर दो, एडवांस बुकिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आप भी सोचते हो यार 500,000 में क्या जा रहा है, कर देते हैं, फोन तो आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाई 1,000-1,200 रुपए में भाई स्कैमर्स का एक दिन का कोटा पूरा हो जाता है और उनके मजे आ जाते हैं। अगर 1,000 रुपए में दिन का कमा रहे तो भाई 30 दिन के 30,000 तो यही हो गए। होनी चाहिए यार हमारे लिए। और कितने लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो इसलिए ध्यान रखना, कोई भी आपसे बोल रहा है कि भाई एडवांस कर दो, ये कर दो, नहीं, साफ मना बोलो भाई, हमसे मिलो आके, हम जब भी आपसे करेंगे सीधा आके नीचे मिलो, फोन हमारे हाथ में दो, जो भी आप ले रहे हो फोन हमारे हाथ में दो, हमें दिखाओ, उसके बाद ही हम लेंगे। स्कैमर्स का तो देखो हम लोग पर्दाफाश करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों भी एक काम करना है, वो है सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। अगर आप लोग भाई OLX पे जाते हो तो आपको इतनी सारी एड्स देखने को मिल जाती हैं, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग वेरिएशंस की। और सच बताऊं तो एक नॉर्मल बंदा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता कि भाई कौन सी एड में अच्छा ही है, कौन सी एड में बुराई है। अब देखो पहली एड मेरे को मिल गई, वो है ये वाली, ये देखो 22,500 में ऑल आईफोन्स। अब भाई कुछ भी डिटेल नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप लोग देखोगे भाई ये वाली फोटो, आप देखोगे 22,000 और आप बोलोगे ओहो क्या बात है, मजा ही आ गया, चलो ले लेते हैं। लेकिन भाई असली में ये आपका पैसा जो है लपेट के पोपट करके आपको ले जाएगा, और आप फिर भाई सोचते रह जाओगे आपके साथ क्या। वीडियो बनाते बनाते मैंने एक इंस्टाग्राम से ID निकाली और उसके बंदे को मैंने फोन किया बेसिकली, जो भी वो बेच रहा था, और भाई डायरेक्टली मैंने उसे वार्तालाप करी है बिल्कुल। तो आप लोग चेकआउट करो क्या बात कर रहा था। होता है कि क्या होता है ये सर? ऑल प्रोडक्ट ओरिजिनल विद 1 ईयर वारंटी विद GST इनवॉइस 28,000 में जी। अच्छा तो फिर मेरे को ऑर्डर करना है, आप कैसे करूं बताओ? ऑर्डर करने के लिए आपको आपकी डिटेल्स देनी है, ओपन एंड चेक ऑप्शन अवेलेबल है, डिलीवरी टाइम फुल पेमेंट नहीं लेते, 50% बुकिंग टाइम, 50% ऑन डिलीवरी आफ्टर चेकिंग। नहीं नहीं आपको लग रहा होगा फ्रॉड वेट ऐसा कुछ नहीं है, मर्चेंट अकाउंट रजिस्टर्ड है। अच्छा हमारा कोई ये नहीं है अब जी, तो हमारा एंड टू एंड चाहिए तो चेन्नई आ जाइए, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। चेन्नई में जी अन्ना नगर मरीना बीच है, अन्ना नगर में हमारा है। तो मतलब आप 28,000 बोल रहे हो ना, कितना बोला आपने? 28 स्टार्टिंग प्राइस है सर, GST शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा लगेगा। 128 GB से वेरिएंट मेरे पास 512 GB एंड 1 TB भी अवेलेबल है। ओके तो कलर ऑल अवेलेबल। और आप कैसे लेते हो पेमेंट, कैसे लेते हो फिर? जैसे कि आपने देखा भाई अभी हमने बात करी, और मैं अभी ऑफ कैमरा हो चला गया था, मैं पहले रिसर्च कर रहा था, और एक अकाउंट मैंने अभी नॉर्मली भाई इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करा आईफोन नाम से, और पहले ना 2-3 अकाउंट आए, उसमें सेकंड अकाउंट ये वाला जो था ना भाई, इससे मैंने बात करी, और भाई ये बोल रहे कस्टम में 28,000 में आईफोन 13 प्रो दे देंगे। यार 50% पहले पेमेंट लेंगे, 50% डिलीवरी होगा उसके बाद। देखो सच बताऊँ तो ये सब चीज़ें जो होती है स्कैम होता है, कोई भी बंदा आपको इतने रेट के अंदर फ़ोन नहीं दे सकता, जिस फ़ोन की एक्चुअल रेट इस टाइम पर 1,00,000 रुपए है, आप खुद सोचो वो 28,000 में कैसे दे सकता है, जिसके ऊपर कि वो अपना प्रॉफिट भी लगाएगा। लेट्स से अगर ये फ़ोन 28 का वो दे रहा है, तो उसके ऊपर उसका भी तो प्रॉफिट होगा, 6-7,000 कुछ तो होगा।
तो भाई 20,000 का फोन उसे मिल रहा है, और सोचो ये जहाँ से उठा रहा है क्या पता वहाँ पे भी प्रॉफिट हो एक दो। मतलब आईफोन 13 प्रो की जो एक्चुअल वैल्यू उससे भी खत्म हो गया फोन, ऐसे नहीं होता। कस्टम में भी फोन मिलते हैं भाई, लेकिन कस्टम के अंदर इतना नहीं रहता, इतना ज़्यादा आप कह सकते हो डाउनग्रेड नहीं होता, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कम रेट मिलता है लेकिन इतना नहीं मिलता। तो ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, और इन चीज़ों के ऊपर आर्मी हो गया, कस्टम हो गया, इन पे लेके ना लोग पागल बनाते हैं और भाई हमारा पैसा लूटते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल भी मत फ्रॉड में फंसना। और मैंने बस ये अभी एक आप कह सकते हो 2 सेकंड के अंदर मैंने निकाल लिया, सोचो आप तो भाई साहब इतने लोग हैं ऐसे करने वाले, और क्या ही बोलूँ मैं। सो भाई हमेशा याद रखना, कभी भी कुछ फोन वोन ले रहे हो ना तो ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल मत करना, चाहे कुछ भी हो ऑनलाइन पेमेंट मत करना। और सच बताओ जितनी मर्जी चिकनी चुपड़ी वाली बातें कर ले कि हाँ भाई आपको लगेगा बिल्कुल भाई ऑथेंटिक है, बट इन रियलिटी ये लोग पढ़े लिखे बेवकूफ बनाने वाले बंदे होते हैं क्योंकि मैंने देखा यार काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ऐसी चीज़ों में फंस रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कर दूँ ताकि आप लोग भाई खुश रहो, अपना पैसा बचा के रखो, क्योंकि सब यार मेहनत से कमाते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला था। तो बस यार अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस बाय।